हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। और देखिए किस तरह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं आज। क्या मांगे आप? हम लोगों को तो देखिए बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसका पेपर नहीं होता है। माननीय नीतीश कुमार जी से हम यही मांग करते हैं कि दरोगा परीक्षा जो हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है और उस धांधली को खिलाफ में हम लोग सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। क्वेश्चन लीक होने का प्रूफ है कोई? बहुत सारा प्रूफ है। हमारे सब परीक्षा जो लीक हुआ था उसका पहले ही से रिजल्ट से पहले हम लोग आयोग को जाके दिए थे। उन्होंने बताया कि हम आपको बुलाएंगे जांच के लिए। आप फोन नंबर तक लिए, बोले कि इसकी जांच कराई जाएगी, मीटिंग बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उससे पहले रिजल्ट दे दिया गया, उनको जो दिए हैं उनके पास सारा प्रूफ है, फिर भी वो रिजल्ट घोषित कर दिए। अभी तक कोई कार्रवाई कोई सरकार की तरफ से कोई कुछ आई नहीं। ये हम इवाओं को दबाने के लिए किया जा रहा है। एक कार्रवाई हुई, लाठी चार्ज करवाया है। नीतीश के रीजन में एक भी एग्जाम सही नहीं गया। जब हम लोग आंदोलन किए तो लाठी चार्ज करवाया गया हम लोग पे। बीएसएससी का एग्जाम हो जाए, दरोगा का जागरूक हो चुका है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी कुछ करना होगा हम सब कुछ के लिए तैयार है। रोजगारी बढ़ रही है, अशिक्षा शिक्षित होने के बाद भी अशिक्षित घोषित किया जाता है, तो इससे तो बेहतर है जेल में जाना। इससे बेहतर है जेल जाना। सरकार सिर्फ नारा लगाते हैं, बिहार में बाहर है करप्शन का सरकार है, नीतीश कुमार है। सरकार को इसके विद्यार्थी के बारे में सोचना चाहिए, क्या बीत रहा है विद्यार्थी पे। कटऑफ अगले बार 108 दस गया था जनरल का, अपनी बार जो है ना 132 चला गया है। सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए, विद्यार्थी का सुनना चाहिए। कितने दिनों से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो पटना की सड़कों पर? पर्चा लीक हुआ है सिर्फ जब हम लोग बिहार दरोगा का एग्जाम दिए थे तो उस समय 9:30 पर पेपर आ गया था। 9:45 पर जब पेपर लीक हो गया तब पर्चा लीक हो गया। हम लोग एग्जाम दे के आए तो पर्चा एकदम बाहर से आ गया। लड़के लोग बाथरूम से आ रहे थे, बाथरूम से कॉल कर रहे हैं कि क्वेश्चन आया, क्वेश्चन लीक हो गया है। नीतीश कुमार का धांधली का होता है और नीतीश बाबू एक भी 6 साल पहले से भी एग्जाम हुआ, सब में धांधली हो। नीतीश कुमार ने युवाओं को ठगने, काम किया। अगर धांधली नहीं हुई तो सीबीआई जाँच करवाइए, सीबीआई जाँच। हम लोग आंदोलन जारी रहेगा इसी तरह से, रोज भूखे अनशन करूंगा। हम लोग जो है यहाँ से दिल्ली तक, संसद भवन तक करूंगा मार, जो है विधानसभा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। क्या आपको क्या लग रहा है, सरकार अब सुनेगी आपकी बातों को? जब तक नहीं सुनेगी तो आंदोलन जारी रहेगा। नीतीश कुमार कान खोल के सुन लो, विधानसभा चुनाव में तुमको हम बताएंगे क्या चीज है, हम युवाओं क्या चीज है। आपके पास प्रूफ है क्या? हाँ प्रूफ है, प्रूफ हम लोग व्हाट्सएप पे जाके हम लोग का डेलीगेशन जाके दिखाया, नंबर दिया तो बोला जा ठीक है जांच होगा, लेकिन जांच कुछ नहीं करवाया। उसके बाद ये लोग रिजल्ट दे दिए। हम लोग जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक हम लोग। आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट कहाँ से शुरू किया? हम लोग ये प्रोटेस्ट साइंस कॉलेज से मुसलमपुर हाट होते हुए हम लोग यहाँ तक जा रहे हैं, मुसलमपुर हाट हुए। तो पटना साइंस कॉलेज से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, दारोगा भर्ती ये अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दारोगा परीक्षा दी थी और इनकी मांग है कि क्वेश्चन जिस तरह से लीक हो जाता है परीक्षा में, धांधली होती है, इसके बावजूद रिजल्ट आउट हो जाता है और कहीं ना कहीं सरकार इसमें लिप्त है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये जो परीक्षा हुई है उसको रद्द की जानी चाहिए। नहीं, ये जो नहीं जानता है किसमें धांधली हुई है, कोई भी ऐसा अगर पदाधिकारी बोल दे किसमें धांधली नहीं हुई है, एग्जाम हो रहा है सारे में क्वेश्चन लीक होता। अगर बच्चों का मांग है, स्टूडेंट का मांग है कि सीबीआई जांच हो तो उनको खिलाने में क्या लग रहा है, वो तो फेकू राम। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ गई है क्या बोलेंगे? बेरोजगारी तो इतना है और इनके मंत्री बयान दे रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन वो सब गंदा है। हर एग्जाम में पेपर 2 घंटा पहले आउट हो जा रहा है। आगामी बिहार स्क्वाड का एग्जाम हुआ है उसमें पेपर आउट, बिहार दरोगा 22 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसको सेकंड। आप
लोग इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हो पटना की सड़कों पर, अभी तक कोई सुनवाई हुई कि नहीं? इसमें कोई किसी तरह का नहीं सुनवाई हो रही, बस यही कहा जाता है कि आप वेट कीजिए, और वेट में कुछ नहीं होता। ये जानते हैं कि सीबीआई जांच होगी तो जरूर इसमें बड़ा मुद्दा पर खुलासा होगा, और इनका इसी साल चुनाव है, चुनाव को लेकर चाहते हैं कि किसी तरह का जांच ना हो। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना चाहेंगे कि दरोगा परीक्षा पर अपनी चुप्पी तोड़े। वो चुप क्यों है? क्यों नहीं एक शब्द बोल रहे हैं कि परीक्षा में धांधली हुआ या नहीं? आयोग बार बार मेंस का एग्जाम का डेट दे रहा, आयोग डरा हुआ तभी तो डेट दे रहा है। नीतीश कुमार सच में कुर्सी कुमार जैसे अब हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि स्टूडेंट कितने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कुर्सी पर चुपचाप बैठे हुए हैं और दिल्ली जा करके बिहार को दिखाते हैं, बिहार को ये दिखाएं। दिल्ली में तो दिल्ली की सरकार काम कर ही रही है, बिहार में जीरो। जिस तरह से जल जीवन हरियाली को लेकर मानव श्रृंखला बनाई गई थी, अगर बेरोजगारों को लेकर मानव श्रृंखला बनाई जाए तो कितनी लंबी होगी? लाइन जा जाए कि इसमें अंधेरा में कान राजा है, जानता है कि सामने वाले कुछ पार्टी नहीं कर सकती है, बस यही है जानता है कि अंधेरा में कान राजा है। बेरोजगार श्रृंखला बनाया जाए तो विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा, विश्व रिकॉर्ड। यहाँ पे कोई भी पदाधिकारी अगर बोल दे कि बिहार दरोगा में धांधली नहीं हुई है तो बच्चे लोग शांत हो जाएंगे। आप देखिए कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किस तरह से, आप देखिए नीतीश कुमार का पुतला बनाया गया है, नीतीश कुमार का पुतला परीक्षार्थियों ने बनाया है, और सुबह से 10:30 बजे से ये परीक्षार्थी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं और सड़क जाम कर रहे हैं। पूरा आक्रोश है, कितना आक्रोश है अंदर? बहुत ज्यादा आक्रोश हो चुका है हम लोग के अंदर, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है धांधली को लेकर और अपना काम करते जा रही है अंदर से। इसलिए जिस तरह से नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली को लेकर मानव श्रृंखला बनाई, अगर बेरोजगारों की मानव श्रृंखला बनती है तो क्या होगा? उससे यही होगा कि आज जो ये आक्रोश देख रहे हैं वो कम पड़ जाएगा, लेकिन अगर हम लोग को अभी और आगे जाना है, अगर उससे हम लोग करते तो हम पुलिस प्रशासन की जो सीमा लगी है उसको लांघकर हम आगे अपना आक्रोश का पार करेंगे। तो जिस तरह से आप लोग ने हाथ में नीतीश कुमार का पुतला लिया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए नीतीश कुमार से यही मांग करते हैं कि वो सीबीआई जांच कराए, और खुद जांच करते हैं तो लेपापोती करके रख देंगे, और सीबीआई से जांच होगा तो निष्पक्ष रूप से जांच होगी और दूध का दूध और पानी पानी का पता चल जाएगा। अभी तक कोई कार्यवाही हुई क्या? नहीं, यही कार्रवाई है, अभी सीबीआई जांच होगा अभी, और आगे कोई कार्यवाही है? इस बार आ और पार की लड़ाई है। अपने हाथ में नीतीश कुमार का पुतला लिया? हम लोग पुतला इसलिए लिया है कि 4 फरवरी को हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हम लोग को वह लाठी को बौछार किया गया, इसके विरुद्ध हम लोग काला पट्टी भी बांधे हुए हैं, अब ये किए हुए हैं। हम लोग जब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक हम लोग की मांगे पूरी ना हो जाए, हम लोग रुकने वाले नहीं जाए। रोता हुआ युवा बर्बाद होती जवानी, क्या तात्पर्य है? क्या मैम? रोता हुआ युवा बर्बाद होती जवानी। हाँ, तो जितना भी नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, जो दिखाई भेड़ के खाल में शेर बैठा हुआ नीतीश कुमार, दिखावे के सराफत का चोला पहने हुए हैं, सब में नीतीश कुमार का हाथ है। किसी भी चीज में देख लीजिए, बिहार पुलिस का जब 20 जनवरी को एग्जाम हुआ नहीं उसका कैंसिल कर दिया, 9 जनवरी को मानव श्रृंखला के चलते, कभी आपने बेरोजगार मानव श्रृंखला लगाइए गर्व से छातियां को चौड़ा होगा। ये अभ्यर्थी, ये परीक्षार्थी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इनका यही कहना है कि परीक्षा में क्वेश्चन लिखा जाता है, उतनी बड़ी धांधली होती है, उसके बावजूद रिजल्ट आ जाता है और कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर आक्रोश है। CBI #CBI जांच सीबीआई जांच का हम लोग मांग कर रहे हैं दरोगा परेशान रद्द करने के लिए, धांधली बहुत ज्यादा हो रही है। इसलिए कोई भी एग्जाम होता है यहाँ पे एक घंटा पहले क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी एग्जाम डिसिप्लिन से सबूत देने के लिए तैयार है कि 1.5 घंटे पहले क्वेश्चन लीक हुआ है? देखिए सबूत देखिए मैडम, देखिए दरोगा इनका सबूत कुछ दीजिए। ये जो परीक्षार्थी ये सबूत दिखा रहे हैं, ये सबूत है? क्या कहना चाह रहे हैं? सीबीआई जांच हो एग्जाम का, कम से कम सीबीआई जांच हो। सबूत में क्या दिखा रहे हैं? व्हाट्सएप पर मैसेज, दो घंटा पहले व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आ गया था, 2 घंटा पहले। तो ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं परीक्षार्थी, 2 घंटे पहले व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन लिखो जाता है, जो भी जो अलग परीक्षार्थी जो भी परीक्षा में बैठने वाले वो क्वेश्चन देख लिख लेते हैं और रिजल्ट आउट हो जाता है। क्या लगता है कि यहाँ पे जो पोस्ट है यहाँ पे जब भी कोई वैकेंसी आती है पैसे से खरीदी जाती है? यस, बिहार दरोगा का वैकेंसी आ गया, उसी लड़का का रिजल्ट हुआ जो 25 लाख रुपया दिया है।
हम लोग हर एक एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। इस बार इतना ज्यादा कट ऑफ गया जो कि उतना नहीं जाना चाहिए था। बिहार एक्साइज का इसका पहले वैकेंसी आया था जो कि 126 पोस्ट के लिए निकाला गया था, जो पीटी का रिजल्ट करीब 2600 आया और उसका कट ऑफ 68 गया। अब बिहार दरोगा का वैकेंसी जो कि रिजल्ट है, तो इतना कट ऑफ कैसे जा सकता है। आप देखिए कि कितनी भारी संख्या में परीक्षार्थी, आप देख सकते हैं पीछे इतनी भारी संख्या में परीक्षार्थी हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि परीक्षा में क्वेश्चन लीक हो जाता है, लोग क्वेश्चन देख के लिखते हैं, उसके बावजूद धांधली होती है और उसके बाद भी रिजल्ट आउट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी है और सरकार के खिलाफ इन्होंने ये बोला है, हल्ला बोला है और इनकी मांग एक ही है कि परीक्षा की CBI जांच होनी चाहिए। बाकी के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे रेड नेटवर्क। नमस्कार, हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।